तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा होना था, लेकिन अब जो कि जो एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उन्होंने बता दिया कि अब जो बचे हुए पेपर हैं कौन कौन से जो होंगे वही परीक्षा आपको बताई जाएंगी। मैं आपको इस वीडियो में सभी बताए जाएंगे। अब सिर्फ क्या मुख्य विषयों की परीक्षा ही होंगी, पूरे जो कुछ जैसे अदर सब्जेक्ट रह गए थे उनकी नहीं होंगी, जो आपको मुख्य सब्जेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से, कौन कौन लोगों के लिए मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से बची हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए ये कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहले क्या, मंडल द्वारा जब भी परीक्षाएं आयोजित की जाना संभव होगा तब केवल इन्हीं परीक्षाएं आपके को, अगर जब भी आपको परीक्षा देना होगा तो केवल इन्हीं परीक्षाओं को देना होगा। देखिए हाईस्कूल के लिए अलग है, इंटर के लिए अलग है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हाईस्कूल परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूँ देखिए कौन कौन से होंगे हाईस्कूल की, चलिए देख लेते हैं। हाईस्कूल परीक्षा के लिए आपको ये वाला करना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। देखिए पहला का विशिष्ट भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। देखिए सभी लोगों के ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जिन लोगों ने उर्दू लिया उनके लिए ये रहता है, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत लिया उनके लिए ये रहता है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, ये तो होना ही होना है। इसके बाद अगर हायर सेकेंड ईयर वालों की बात करें तो क्या बायोलॉजी, हायर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और इतनी बात समान, तो ये पेपर जरूर होंगे इन, अगर आप लोगों के ये पेपर वैसे बायोलॉजी का भी नहीं हुआ, मैथमेटिक्स का भी नहीं हुआ, केमिस्ट्री का, तो ये तो होना ही होना है। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, ठीक है, और ये देखिए ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, इन पेपर यही पेपर होंगे आपके और जो बचे हुए हैं, तो ये आप जरूर तैयारी जरूर करें कि जब भी पेपर संभव होगा तो ये पेपर जरूर होना है। ठीक है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हाईस्कूल परीक्षा के विषय जो कि दृष्टिहीन मुख्य छात्रों के लिए है कि द्वितीयभाषा, तृतीयभाषा समान द्वितीयभाषा, तृतीयभाषा होगी, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हायर मैथमेटिक्स होगी, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक, देखिए ये सभी पेपर होंगे जो कि अभी एमपी बोर्ड ने जारी किया है, भोपाल द्वारा जारी किया गया। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जिन लोगों को ये पता नहीं था कि पेपर होना है कि नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया जब भी ये पेपर परीक्षा होंगी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बिग अपडेट आपको जब भी आए तो न्यूज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके जो कि पेपर बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब भी मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जाना संभव होगा तब केवल विषयों की परीक्षाएं होंगी जो कि निम्नलिखित विषय हैं, यानी मुख्य विषयों की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जरूर करें, 14 अप्रैल के बाद आपको सभी पता चल जाएगा क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।